नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। भोपाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि जो कोई सोच नहीं सकता वो अमित शाह करके दिखा देते हैं। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि अब की बार प्रदेश में 200 पार करना है, वहीं लोकसभा में 29 सीटें जीतना है। 15 साल में बीजेपी सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। कृषि विकास दर में लगातार इजाफा हुआ, बीजेपी नहीं होती तो गांव में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। किसानों को बीजेपी सरकार ने बिना ब्याज का कर्ज दिया। नहरों में सिंचाई 40 लाख हेक्टेयर हो गई है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाएगी, आपको इनके भ्रम का मुकाबला करना है। 50 साल तक भाजपा कांग्रेस को नहीं हटा सकती है। हम आय बढ़ाने के प्रयास करेंगे, गांव में सड़क बनाएंगे, हर गरीब को घर और जमीन देंगे। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, वह झूठ बोलेंगे। कांग्रेस चाहती है गोलियां चले, जो प्रदेश को नहीं समझता वह क्या हमारा मुकाबला करेगा। इस मौसम से कांग्रेस बात करती है, अगर मैं गिनाऊंगा तो योजना इतनी है किसानों की। मैं एक सावधान आपको करना चाहता हूँ, नरेंद्र सिंह जी ने उस तरफ ध्यान दिलाया है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, वो झूठ बोलेंगे, वो भ्रम फैलाएंगे। योजना और कार्यक्रम कैसे हैं कि मिट्टी के कलश लेके घूमेंगे, जहां किसी किसान की मौत हो गई है, ये लाशों पर राजनीति करने वालों, झूठ का झूठ से भ्रम फैलाने वालों, ये कांग्रेस के लोग हैं। ये कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे। हमें सावधान रहना होगा कि कहीं फिर खून खराबा हो जाए, कहीं फिर झगड़ा हो जाए, कहीं फिर गोली चल जाए। कार्यकर्ता भाइयों, ये मुकाबला विकास में नहीं कर सकते, ये मुकाबला जन कल्याण में नहीं कर सकते, और इनके कागजी शेर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।